गाइस वेलकम टू द चैनल। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अभी बहुत सारे लोग हैं जो मीटियोर 350 खरीद चुके हैं ऑलरेडी, उनका बुकिंग हो चुका है, बट उतना ज़्यादा वेटिंग है कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। वेटिंग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों हो रहा है, एक वीडियो में डेफिनेटली मैं बताऊँगा आगे, बट उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी मीटियोर 350 के लिए इतने टाइम के लिए वेट कर रहे हैं लोग, क्या उनको मीटियोर 350 कंटिन्यू करना चाहिए वेट करना, या क्लासिक 350 खरीदना बेटर है ऐसे टाइम पे? क्योंकि आपको पता है क्लासिक 350 नया लॉन्च होने वाला है, और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का नया मॉडल लॉन्च कर रहा है विद द सेम मीटियोर इंजन। तो अगर आप क्लासिक 350 नहीं लेते थे क्योंकि उसमें बहुत सारे वाइब्रेशन थे, 80-90 के बाद थोड़ा प्रॉब्लम होता था चलाने के लिए, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्लासिक 350 आने वाला है विद मीटियोर का स्मूथ रिफाइंड इंजन। बट एट द सेम टाइम एक और गुड न्यूज़ ये है कि क्लासिक 350 का डिज़ाइन चेंज नहीं होने वाला है। रॉयल एनफील्ड बिल्कुल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था डिज़ाइन के मामले में, क्योंकि बहुत सारे लोग क्लासिक 350 को इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा रेट्रो है। इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट फीचर्स क्लासिक 350 में ये है कि क्लासिक 350 का जो रीसेल है कोई भी मोटरसाइकिल इस सेगमेंट में बीट नहीं कर सकता है, क्योंकि क्लासिक 350 का जो सेल है वो बहुत ज़्यादा है और लोग उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि मेंटेनेंस बहुत प्रॉब्लम बहुत आते रहता है, रिलायबिलिटी के इश्यूज आते थे पुराने वाले क्लासिक 350 में, तो जो नया वाला क्लासिक 350 आने वाला है उसमें रिलायबिलिटी के इश्यूज कम रहने वाले हैं। तो क्या ये वेट करना बेटर रहेगा, सारे चीज़ों के बारे में मैं आंसर करने वाला हूँ। उसके पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट आपको रिव्यू वीडियो सब मिल जाएंगे। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। पहला पॉइंट आपको मैं थोड़े पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, कुछ भी डिसीजन लेने के पहले आपको मैं थोड़े पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपको डिज़ाइन पसंद है क्लासिक 350 का, या आप ये सोच रहे हो कि मुझे क्लासिक 350 नहीं लेना है क्योंकि मुझको उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगता और नेक्स्ट वर्जन में बेटर डिज़ाइन आएगा, नहीं आने वाला है, डिज़ाइन सेम ही रहेगा, तो वो चीज़ आप वेट मत कीजिए क्योंकि आपको कोई नया डिज़ाइन नहीं मिलने वाला है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द ओल्ड वन। आपको LED में कहीं पे भी कोई LED लाइट्स नहीं मिलता है, इट्स ऑल हैलोजन एंड इट हैज़ द सेम रेट्रो स्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो प्राइस है, अगर आप पैसा बचा रहे हो क्लासिक 350 खरीदने वाले थे और आपको ये पता चला कि क्लासिक 350 का नया मॉडल लॉन्च होने वाला है, आपके लिए बैड न्यूज़ ये रहने वाला है कि जो नया वाला क्लासिक 350 है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू बी चीप। तो अगर आप क्लासिक 350 लेना चाहते थे आई थिंक यू कैन गो अहेड विद दैट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब नया वाला क्लासिक 350 लॉन्च होगा, पुराना वाला जो क्लासिक 350 है वो भी सेल पे रहने वाला है। ये न्यूज़ मुझे आया है एंड ये आपको मैं एश्योरिटी दे सकता हूँ कि पुराना वाला जो मॉडल है वो भी बिकेगा साइड बाय साइड, बट ये है कि उसका भी प्राइस बढ़ सकता है। तो बहुत सारे लोग मीटियोर 350 इसी नहीं लेते बिकॉज वो सिटी में चलाने में इतना मज़ा नहीं आता है, बट क्लासिक 350 लॉन्च होने के बाद इट वुड बी अ वेरी प्रैक्टिकल बाइक, क्योंकि ये बाइक आप सिटी में भी चला सकते हो एंड यू कैन गो फॉर ओकेशनल टूरिंग। सो इज़ इट वर्थ द वेट या हाईनेस लेना बेटर है? एक तो मैं बात बताता हूँ कि अभी कोविड के सिचुएशन में बहुत ज़्यादा वे आपको डिले होने वाला है उसके लॉन्च के लिए, तो अगर आप हाईनेस लेने का प्लान कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि क्लासिक 350 का रिफाइनमेंट उस हाईनेस से भी अच्छा होने वाला है, वो तो नहीं होगा। अभी भी हाईनेस का रिफाइनमेंट सबसे बेस्ट है क्योंकि आप मीटियोर को कंपेयर करोगे, मीटियोर में भी हल्के से वाइब्रेशन आपको फील होते हैं। बट आपको मैं एक एडवाइस करता हूँ, अगर आप ये भी सोच रहे हो कि CB350 RS ले या नया वाला मॉडल जो हंटर आ रहा है रॉयल एनफील्ड का वो ले, तो ये है कि मीटियोर का इंजन इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है जितना CB350 का है, और अगर क्वालिटी की बात करें तो होंडा इज मच सुपीरियर। बट चीज़ ये है कि क्लासिक 350 अगर आप लोगे ना तो रिलायबिलिटी का प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है, रिलायबल पुराने वाले जो रिलायबिलिटी के इश्यूज आए थे वो नहीं आने वाला है। बट होंडा के मोटरसाइकिल में आपको तो पता ही है रिलायबिलिटी कैसे होता है, पर रॉयल एनफील्ड के रिलायबिलिटी के बारे में नहीं बोलना चाहता था एक्चुअली, मैंने गलती से बोल दिया ये, बट रिलायबिलिटी इज़ ऑल्सो फाइन, इसीलिए मैं पॉइंट को हटाना नहीं चाहता था क्योंकि इम्प्रूव हुआ रिलायबिलिटी। मैं ये बोलना चाहता था कि उसका जो रीसेल है रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल का वो बहुत बढ़िया है, स्पेशली क्लासिक 350 का, मीटियोर का भी उतना नहीं है जितना क्लासिक 350 का है। सो ये चीज़ उसको बहुत स्पेशल बना देता है। अगर आप हाईनेस लो या RS लोगे तो बाइक मोटरसाइकिल अगर ओवरऑल देखोगे इज़ अ मच सुपीरियर और बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है मैकेनिकली, बट अगर आगे आप सोचोगे यार लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा होने वाला है, रीसेल कैसे होगा, आफ्टर सेल्स कैसे होने वाला है, तो ये चीज़ में आई थिंक क्लासिक 350 इज़ वे हेड। इंडियन मार्केट में लोग ये नहीं देखते कि परफॉर्मेंस कैसा है, बट यही एक चीज़ नहीं देखते,
बाकी चीज़ें भी देखा जाता है जैसे आफ्टर सेल, रीसेल, वो सब चीज़ों के अगर हम कैलकुलेट करें तो क्लासिक 350 एक बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है। आप क्लासिक 350 खरीदना चाहते थे बट उसके वाइब्रेशंस के कारण आपने मीटियोर लिए बुक किया है, अगर आप कैंसिल कर सकते हो तो यू कैन कैंसिल इट, क्योंकि मीटियोर का मैं आपको क्लासिक 350 में बहुत अच्छा स्मूथ इंजन ही मिलेगा, बट एक दो इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आपको उसमें फ्यूल इंडिकेटर मिलेगा जो डिजिटल रहने वाला है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें ट्रिपर नेविगेशन मिलेगा आपको। तो बट प्राइस तो एक बता दूं मैं, इट कैन बी वेरी वेरी क्लोज टू हाइनेस और इवन मोर एक्सपेंसिव देन हाइनेस, क्योंकि रॉयल एनफील्ड के लिए क्लासिक 350 एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उसका प्राइस हमेशा बढ़ते आ रहा है, तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि इफ़ यू वॉन्ट अ गुड सिटी बाइक, आप मीटियोर मत लो, आप थोड़ा वेट करो। कैसे भी अभी लॉकडाउन हो रहा है, अभी कहीं पर भी आप टूरिंग नहीं कर सकते हो, बाहर जाना भी पॉसिबल नहीं है, तो इफ़ यू इन्वेस्ट इन अ क्लासिक 350 आपको जो रीसेल है और सिटी में चलाने में आपको थोड़ा बेटर लगेगा। सो मीटियोर का जब जितना अभी वेटिंग टाइम दिख रहा है और फ्यूचर उतना मुझे खास नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन भी बहुत ख़राब है, तो स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहो, और अगर आप प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर क्लासिक 350। अगर कुछ भी आपको डाउट्स है तो पूछ सकते हो। ये वीडियो कंप्लीट नहीं है, इसके बाद और भी हम वीडियोस पे बात करेंगे। टिल देन गाइस, टेक केयर, ड्राइव सेफ, बाय बाय, एंड प्लीज़ वॉइस योर ओपिनियन। बाय बाय।